संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो थोड़ी बहुत लाभ दे रही होंगी। ये दूसरी बात है कि हम वीडियो रोज़ नहीं बना पाते, बहुत सारी समस्याएं होती हैं अपनी अपनी। मैंने कोशिश भी की थी कि मैं आपको अलग से वीडियो और मुहैया करा सकूं, लेकिन उसमें असमर्थ रहा। दो तीन बातें करनी है आपसे, थोड़ा सा समय लगेगा। एक समस्या है पीडीएफ की। पीडीएफ की समस्या के बारे में आपको बताता चलूं। बहुत लोग हैं कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ को मेरे समझ नहीं आता, पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पीडीएफ का तात्पर्य होता है जो मैंने यहाँ बताया उसको कॉपी के रूप में आपको दे देना, लिखित के रूप में। तो वो तो आप पुस्तकों से भी कर सकते हैं, मैं पुस्तकों से पढ़ाता हूँ भाई, मैं अपना तो कुछ दिमाग नहीं लगा नहीं रहा हूँ इसमें। जो कुछ है सब पुस्तकों का ज्यों की त्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, किसी और की तरह इधर उधर से भी नहीं ला रहा हूँ कुछ, ना इसमें कुछ अपना मिला रहा हूँ। ज्यों की त्यों श्लोक लिखता हूँ या जो भी सूत्र हैं उन्हें लिखता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो पीडीएफ की मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता होगी। दूसरी बात, अगर आपको आवश्यकता होती भी है तो मैं नहीं दे पाऊँगा, ये मेरी मजबूरी है। कारण है कि मैं ना तो टाइपिंग जानता हूँ, ना मैं ज़्यादा इसमें टेक्निकल के मामले में ज़्यादा होशियार हूँ। मैं तो ऐसे तैसे बस वीडियो बना के आप तक पहुँचा देता हूँ, उल्टा सीधा इसमें एडिट कर देता हूँ, जैसा होता है ऐसे ही डाल देता हूँ। मुझ पर इसमें कुछ आता ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे मुहैया करा दूँ? तीसरी चीज़, अगर मैं बाहर से कराऊँ तो इसके लिए पैसे लगते हैं, वो मेरे पास पैसे हैं नहीं। आप कहोगे पैसे हैं क्यों नहीं, YouTube से बहुत पैसे मिलते होंगे। ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है कि YouTube बहुत पैसे देता है। आपको एक बता दूँ YouTube से कितना पैसा आता है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ आपको YouTube का। ये महीने में यानी 28 दिन का ये देखाता है रेशियो, उसमें $5 से $6 देता है 28 दिन में, और $1 में ₹70 होते हैं। तो 28 दिन में 70 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 80 $6 मान लीजिए, यहाँ ₹100 मान लीजिए सीधे, छोड़िए उसको। अब एक महीने में ₹100 दे रहा है, तो मैं ₹100 में आपको टाइपिंग भी करा के दे दूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें करा के दे दूँ, ये तो मुश्किल है। और रही बात कि मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरा व्यवसाय नहीं है यूट्यूब। मैंने पहले ही बताया कई बार, व्यवसाय होता तो उसमें पैसे कमा रहा होता, ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पैसे नहीं देता, बहुत सारे पैसे देता है। उसमें फिर मैं पीडीएफ भी बनाता, पीडीएफ आपको बेचता, आप पैसे से लेते, तो फिर मुझे व्यवसाय बनाना पड़ेगा, मैं व्यवसाय नहीं बना रहा हूँ उसे, तो मैं पीडीएफ आपको नहीं दे सकता। और ये पैसे आते हैं ये मेरे कोई काम के नहीं है, अगर आप चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप दर्शक जितने भी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मित्र टेक्निकल के क्षेत्र में माहिर हों, कुछ लोग जानते हों, जैसे एक मुंबई से एक छात्रा हैं, उनका मैसेज आया था मेरी अनुमति चाहिए थी उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए या टाइप करने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे तो खैर अब आप समझिए मुझे तो इसकी आवश्यकता है नहीं। हाँ, उनको लगता है कि इससे लोगों का भला हो सकता है, तो वो अपनी एक वेबसाइट बना लें, और अगर मेरा ये वीडियो सुन रही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वो एक वेबसाइट बना लें या ब्लॉग पोस्ट करने के लिए व्यवस्था होती है, वो उनकी अपनी मेहनत रहेगी। ब्लॉग पोस्ट में पैसे ही बताते हैं, अच्छे मिलते हैं, और मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझ पर आती नहीं वो, क्योंकि टाइपिंग फाइपिंग करना पड़ेगा बहुत सारी। हालांकि ब्लॉगिंग है मेरी साइट, तो उसमें से जो भी वीडियो आप टाइप कर सकें, बना सकें और लोगों को पहुंचा सकें, अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था तो मुझे बता दें वो वेबसाइट, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता दूंगा, वो वहाँ जा करके आपसे पीडीएफ खरीद सकते हैं, जो भी जैसे भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। आपका है वो आप ही रखिए, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा। और ये नहीं कह रहा हूँ मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे खासे, बहुत पैसे मिलते हैं, सरकार बहुत पैसे देती है, टीचर हूँ मैं इंटर कॉलेज में, तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना है ठीक है। दूसरी चीज़, सभी लोग अगर सहायता करेंगे एक दूसरे की तो हमें ज़्यादा ग्रुप बड़ा हो जाएगा और जल्दी लोगों तक चीज़ें पहुँच जाएंगी। दूसरी चीज़, दो चीज़ें थी, और तीसरी एक समस्या और थी, कुछ मित्र हैं उनके कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो साफ़ नहीं समझ में आ रही। साफ नहीं समझ में आ रही उसका कारण, हज़ार लोग देख रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा, तो कमी उनके स्वयं के फ़ोन में हो सकती है। तो जा करके अपनी जो पिक्सल है उसको बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे सांख्य कार्य का। आज जो बात करेंगे वो पुरुष के बहुत के बारे में बात कर लिया, पुरुष एक होता है, आत्मा एक होती है, अनेक होती है, कैसे काम करती है। आज बात करेंगे कि पुरुष जो आत्मा होती है वो किस किस को देखती है, स्वयं को भी देखती है, इनके धर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं,
ठीक है, ये सारी चर्चा करेंगे। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम् साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य। ये बात कर दी इन्होंने, बताऊंगा ये तस्माच्च पिछली बात कर दी है, कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम कर्तृभावश्च। ठीक है, ये है पूरी कहानी। तस्मात् च विपर्यासात्, यहाँ पे पूरी कहानी बात हो जाती है कि सिद्धम, यानी कि जो तस्मात्, तस्मात् से तात्पर्य यहाँ पिछली जब कार्य का नहीं अध्ययन करिए तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पहली कारिकाओं में जो बताया गया है ठीक है, पहली कारिकाओं में जो बताया गया है, ग्यारहवीं कारिका में वहां जो प्रधान पुरुष प्रधान के अर्थात प्रकृति के जो धर्म बताए गए, जो गुण बताए गए हैं, उसके विपरीत पुरुष के अपने आप से सिद्ध हो जाते हैं। उनसे हटकर के इस कारिका में भी कुछ गुण या धर्म बताए गए हैं, ठीक है, उसको देखना है। क्या हो गया, चलो, जैसे उसमें बताया गया था प्रधान के हैं ये, प्रकृति के हैं, ठीक है, प्रकृति के धर्म बता रहा हूं या गुण बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है। त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस से सुख दुख मोह कैसी मान लीजिए उसको, तुम्हें सुख दुख में चले जाते हैं, या चलिए आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा है अविवेकी अविषयत्व, विषयत्व है, ये विषय तो मतलब तो लग जाए इसमें तो मतलब उसको गुण, जैसे गौ गौ का गौत्व, यानी कि गौ में जो गौत्व गौ का गुण है वो उसका बात कर रहा है। सामान्य इसमें बात करी हमने, सामान्य और विशेष दो प्रकार की चीजें होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो लगने पर उसके जो अंदर तत्व है, विषय विषयत्व, विषय का जो तत्व है उसकी बात, जैसे व्यक्ति व्यक्तित्व, व्यक्ति में जो तत्व है व्यक्त करने वाला उसकी बात करता है व्यक्तित्व हमेशा, ठीक है, वही चीज इसमें चर्चा कर रहे हैं। अविवेकी यानी अविवेकी है वो, सामान्य है, चार, अच्छा दो तीन हो गया, ये चार हो गया और ये पांच हो गया, त्रिगुणात्मक विषयत्व, अचेतन और छठवां है प्रसद्धर्मी, ठीक है, ये इसमें गुण है या प्रकृति के धर्म है, कौन से, त्रिगुणात्मक विषयत्व अविवेकी सामान्य अचेतन और प्रसव धर्मी। थोड़ा सा इसमें चर्चा करता चलूं, इसके विपरीत जो धर्म है वो पुरुष के धर्म है, ठीक, जैसे त्रिगुणात्मक है तो वो कैसा हो गया, अत्रिगुणात्मक। दूसरा अब विषयत्व है तो वो अविषयत्व हो गया। तीसरा अविवेकी है तो वो विवेकी हो गया, ठीक है। चौथा सामान्य है साधारण है तो वो असाधारण हो गया। पांचवा वो अचेतन है तो ये चेतन हो गया। छठवां प्रसद्धर्मी है तो वो अप्रसद्धर्मी हो गया, ठीक है। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा इसमें चर्चा करता चलूं क्योंकि ये बात समझ में आ जाएंगी तो ये बात समझ जाएंगे, उसके बाद इन्हीं से सिद्ध हो जाएगा कि ये भी इन्हीं के गुण है, किसके, पुरुष के गुण है, ठीक है। त्रिगुणात्मक में हम जान लिया था सत्व रजस तमस से युक्त होती है प्रकृति, लेकिन पुरुष इन तीनों से अलग होता है, ऐसा इनके कोई मतलब नहीं होता इसका। विषयत्व वो विषय बनता है किसी का,
विषय है उसमें विषयत्व के गुण है, विषय के गुण है, क्योंकि विषय बनता है किसका, पुरुष का विषय बनता है, इसीलिए तो उसके दर्शन करता है पुरुष। पुरुष के जैसे ही दर्शन करता है तो वो, हाँ एक बात और बतानी है इसमें, यहाँ जो जन्म मरण की जो बात आती है ना, इसमें जो बताया गया कि पुरुष ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है, तो प्रकृति में विषयत्व होने के कारण यही जन्म को प्राप्त होती है, यही मृत्यु को प्राप्त होती है, इसलिए तो उसमें प्रसद धर्मी बोला गया है। इसमें ये अप्रसद धर्मी है, ये जन्म नहीं लेता ना मृत्यु को प्राप्त होता, तो विषयत्व होने के कारण जैसे ही पुरुष इसको देख लेता है, विषय होने के कारण देखा जाएगा, विषय जो होती है वो देखी जाती है, तो वो खत्म हो जाती है चीजें, अपने आप को वो शर्मिंदगी महसूस करके वो अपने आप को मार लेती है। अब इसे तो अविवेकी है ये, तो ये विवेकी हो गया आत्मा या पुरुष, ये सामान्य है, साधारण है, साधारण हो गया। अविवेकी का मतलब जानते हैं, जिसमें विवेक ना हो, और जिसमें विवेक हो वो विवेकी। चेतन, चेतन का मतलब इसमें चेतना हो, जो चलायमान हो, जो कुछ ना कुछ क्रियाएं कर सकता हो, वो इसमें अंतर्गत आती है। प्रसव धर्मी मैंने बता दिया, जो जन्म लेते हो प्रसव धर्मी, जिससे कुछ निकलते हो, जैसे प्रकृति है, प्रकृति से सारी चीजें जन्म लेती हैं, वो लिंग शरीर के अंतर्गत हम अगली कारिकाओं में समझेंगे। वैसे मैंने बता भी दिया है, आप जाकर के पीछे एक अध्ययन कर सकते हैं, मैं तत्व वगैरह उसी से निकलते हैं, जितनी भी तन्मात्रा वगैरह सब उसी से निकलती है, बुद्धि बुद्धि सब है, तो ये प्रसव धर्मी के अंतर्गत आता है। इसलिए इनके विपरीत विपर्यासात सिद्धम, ये सब सिद्ध हो जाता है विपरीत भाव से ही। किसके गुण है ये पुरुष के गुण है। साक्षित्वम असपुरुषस्व, इन्हीं सिद्धियों के द्वारा, इन्हीं सिस होने के अतिरिक्त, इनसे अतिरिक्त भी पुरुष के ये भी गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? नंबर एक साक्षित्व। साक्षित्व का मतलब जिसके अंदर साक्षी की भावना हो, मतलब साक्षी का गुण हो, तो लगा हुआ ना साक्षी का गुण हो, जो किसी को, साक्षी का गुण किसमें होगा, जो किसी को देखेगा, यानी कि जिसके लिए विषय बने हैं, विषय होंगे तो साक्षी होगा, साक्षात्कार इसी शब्द से तो बना है, किसी से बात करना आपस में या किसी को देखना। तो यहां पर अविषयत्व होने के कारण ये स्वयं तो साक्षी हो गया, लेकिन विषय कौन है, विषय प्रसव धर्मी यानी कि ये प्रकृति है, तो प्रकृति वगैरह इसके साक्षी बन, विषय बनते हैं, तो ये स्वयं साक्षी बन जाता है। तो याद रखना, विषय होने पर साक्षी होता है, विषय नहीं होगा तो साक्षी नहीं हो सकता, साक्षित्व का गुण है। दूसरा गुण कह रहे हैं ये कैवल्य, कैवल्य किससे प्राप्त, कैवल्य का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक, ये हमने तीन दुख जाने थे शुरू में, उन तीनों दुखों से जो परे चला जाता है या आत्यंतक उनका निवारण कर लेता है, वो पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु नहीं होती। लोगों के दिमाग में यह है कि मोक्ष या कैवल्य में मर जाता है व्यक्ति, समाधिस्थ हो जाता है, समाधिस्थ का मतलब भी मरना नहीं होता, समाधानम समाधि ये बोला गया है, यानी कि जब तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाए तो आपको समाधि फलित हो जाती है, जब कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न ना उठे मस्तिष्क में तब आपको समाधि उत्पन्न हो जाती है, वो उसी प्रकार से केवल भी है। जब तीनों प्रकार के दुख या त्रिगुणात्मक जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो दुख हैं, सुख दुख मोह मान लीजिए या सत्र जो समझिए, इनसे परे जो भी चीज है वो केवल से प्राप्त होगा। वैसे इसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक यही माने जाएंगे, ठीक है, वो तीनों गुणों से या तीनों दुखों से जो परे हो जाए वो केवल हो जाता है। तो केवल पुरुष स्वयं केवल की अवस्था में ही है, इनसे परे रहने की मतलब नहीं, जब वो जान जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं इससे लगा हुआ, केवल मिल जाता है उसको, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें विवेकी है, विवेकी एक ही चीज है, हम जानते हैं विवेक और विवेकी, नहीं ये नहीं, ये हम याद कर रहे हैं, ये माध्यस्थ, माध्यस्थ मतलब मध्यस्थ, एक तरह से मान के चलिए, मध्यस्थ मतलब उदासीन, माध्यस्थ कर लो इसको, माध्यस्थ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, औदासीन हो जाएगा फिर यहां पर, औदासीन, चलो इसको मैं कर ही दूं, माध्यस्थ्य औदासीन, ठीक है, अर्थात जो मध्यम मार्ग, तितिक्षा इसको शब्द में प्रयोग किया गया है विधान सार में, अगर अध्ययन करेंगे, जिसको सुख दुख लोभ मोह गर्मी ठंडी इन सभी से जो परे हो जाता है वो माध्यस्थ भाव कहलाता है, या इनसे तटस्थ भाव की भावना आ जाती है, तितिक्षा कहलाता है वहां। यहां पर भी ये सुख दुख मोह तीन प्रकार की जो चीजें हैं, सुख में सुख ना पकड़े उसको, दुख में दुख ना हो, दुखी ना हो, और मोह में भी वो ना पड़े, उसके भाव उदासीन रहे, उदासीन भाव में रहे, ये गुण भी किसका है, ये पुरुष का है, ठीक है ना, ये माध्यस्थ भी होता है, उदासीन भाव में रहता है,
चौथा क्या है? चौथा है दृष्टित्व। दृष्टित्व ठीक, दृष्टित्व का मतलब क्या है? क्योंकि ये चेतन है। अब दोनों चीजें समझ लेना, साक्षी और साक्षी शब्द और दृष्टा शब्द, ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगी। साक्षी के लिए विषय की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई उसको विषय चाहिए, तो विषय ये होता है, इसलिए पुरुष साक्षी हो जाता है। प्रकृति इसमें विषय बनती है, पुरुष साक्षी हो जाता है। दृष्टा में किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं होती, केवल चेतनत्व ही काफी है। चेतना होने के कारण पुरुष जो है वो दृष्टा भी कहलाता है, या उसके दृष्टित्व के भी गुण होते हैं उसके अंदर। तो उसको किसी को देखने की, खुद को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, वो खुद को भी देख सकता है, इसीलिए दृष्टित्व के अंतर्गत है चेतना होने के कारण। ठीक है, और है अकर्तृत्व भाव, अप्रसव धर्मी होने के कारण, ये तो प्रसव धर्मिता ही, अप्रसव धर्मी है, अप्रसव ही धर्मी होने के कारण ये कौन सा नंबर, पांचवा, यानी कि कर्ता का भाव ही नहीं होता इसके अंतर्गत। कर्ता का जो भाव है मतलब कर्ता नहीं होता, ये अकर्तृ रख रहा, ठीक है, अकर्तृ भाव इसके अंतर्गत रहता है, अर्थात ये कर्ता नहीं होता, निष्क्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रसव धर्मी नहीं है, अप्रसव धर्मी है। इस तरह से इनके गुण के साथ साथ ये गुण भी इसी के आधार पर बताए गए हैं, ये गुण है। बस यहां पर समस्या हमको समझने में आती थी साक्षित्व में और दृष्टित्व में, वो उम्मीद कर रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने के लिए है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे अवश्य बताना। कैवल्य को मैंने बड़े अच्छे समझा दिया, कैवल्य की अवस्था यानी गुण, पुरुष का गुण है, उसको ढूंढना नहीं है, उसको प्राप्त नहीं करना। कहते ना कि कैवल्य को प्राप्त करने हेतु, केवल को प्राप्त नहीं करना है, यही तो समस्या हो जाती है समझने में। केवल तो उसका गुण है, जो आत्मा है आपका मेरा, ये केवल तो मतलब वो है, मोक्ष का अवस्था है, सुख की दुख की अवस्था है, उदासीन भाव है, उन्ना सुख। मैंने बताया था पिछली बार भी कि जो द्वंद्व में से किसी योग को पकड़ेगा वो दुखी रहेगा, वो मोक्ष मतलब मोक्ष, मानी दोनों को, सुख को भी छोड़ दे और दुख को भी छोड़ दे, तब मोक्ष की अवस्था आएगी। वही ना केवल की अवस्था है, वही उदासीन की अवस्था है, ये सारे गुण पुरुष में मौजूद हैं। बस अपने मूल तक आना, यही बात ध्यान के अंतर्गत घटित होती है, वो अपनी मूल अवस्था को पहचान जाता है। लेकिन ध्यान शब्द बड़ा टिपिकल है, कितने लोगों ने, कितने हजार लोगों ने हजारों तरीके से समझाया है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, इस पर कभी भविष्य में देखेंगे मौका मिलेगा तो, क्योंकि इसका अनुभव होता है वही इन पर चर्चा कर सकता है। आज उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अगली कार्य का अगली बार में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।